बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स की, जिसे हम बोलते हैं क्विकनिंग। क्विकनिंग को हिंदी में या जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं बच्चे का घूमना। ये सिम्टम जो है जब 12 वीक के बाद में प्रेगनेंसी में नोजिया, वॉमिटिंग और फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिन जैसे सिम्टम जो लेडी के होते हैं वो डिसअपेयर होने लगते हैं, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू होने पे ये एक नया सिम्टम अपीयर होता है। इसके अंदर जो प्रेग्नेंट लेडी है वो बच्चे के एक्टिव फीटल मूवमेंट को परसीव कर सकती है, फील कर सकती है। मोस्टली ये जो क्विकनिंग है ये 18 वीक पर स्टार्ट होता है, पर जो मल्टी ग्रेविडा है उनके अंदर 2 वीक अर्लियर ये स्टार्ट हो सकता है। क्विकनिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइन होता है प्रेगनेंसी का, और साथ में ही इस चीज़ का है कि बेबी जो है वो अलाइव है। जो ये फीटल मूवमेंट है ये हम रेगुलर इंटरवल पर आफ्टर 12 वीक टमी पे हाथ रख के और इसको फेल्ट किया जा सकता है। इनिशियल फेज के अंदर ये स्लाइट फ्लटर टाइप फील होते हैं, लेकिन उसके बाद में लेटर स्टेज के अंदर ये मूवमेंट बहुत अच्छे से परसीव होते हैं, बहुत अच्छे से फेल्ट होते हैं, बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं। साथ ही में क्विकनिंग के अपेयरेंस एक यूजफुल गाइड होता है ईडीडी को कैलकुलेट करने में। अगर कोई लेडी जो है वो इनिशियली स्टेज के अंदर प्रेगनेंसी को डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं, तो अगर तो जब से ये सिम्टम क्विकनिंग स्टार्ट होता है तब से हम 22 वीक प्राइमरी के अंदर जो फर्स्ट टाइम लेडी बन रही है, 24 वीक जो मल्टी पैरा होती है उनके अंदर ऐड करके उनकी ईडीडी, उनकी एक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी डेट जो है, हम उनकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट जो है, हम एक रफ आइडिया उससे निकाल सकते हैं। थैंक यू।